हाय एवरीवन, तो आज की क्लास में हम करेंगे 10 नंबर का फोर्थ क्वेश्चन। मैथमेटिक्स जो चैप्टर चल रहा है 10 क्लास का, तो ये नियमित ज्योमेट्री जो चैप्टर है उसका ये क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बिंदु Q है, उसके पॉइंट दिए हुए हैं 0.1 की दूरी, बिंदुओं P के बिंदु हैं x.6 और R के बिंदु हैं 5.-3 से समान है, मतलब ये PQ बराबर है QR के। तो हमें x का मान पता करना है। जैसे ये हमने बिंदु इस तरह से बना लेना है, एक बीच में और एक, देखिए बोल रहा है Q की दूरी बिंदु P और R से समान है, मतलब ये आएगा P, Q और R, ठीक है। PQ बराबर है QR के। तो P के जो बिंदु हैं वो हैं x.6 और Q के बिंदु हैं 0.1 और R के बिंदु हैं 5.-3। अब इससे हम दूरी निकालेंगे, लिखेंगे क्या, PQ बराबर है QR के, ठीक है। तो इसमें ही वही फॉर्मूला, x2-x1 का स्क्वायर प्लस y2-y1 का स्क्वायर, और इसके बराबर में भी वही फॉर्मूला, x2-x1 का स्क्वायर प्लस y2-y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम भरेंगे PQ की, ये दोनों लेना है। तो ये PQ में ये है x1 और ये है y1 और ये है x2 और ये y2। फिर जब Q का लेंगे, QR का, तो ये x1 बन जाएगा और ये फिर से यहाँ पर लिख सकते हैं x1 और y1 और ये बन जाएगा x2 और y2 जब इसके साथ करेंगे। पहले हम इसके साथ कर रहे हैं PQ, तो PQ लिखेंगे हम लोग, वर्गमूल लिखेंगे पहले x2 कितना है 0-x का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1-6 का स्क्वायर बराबर में, अब कौन सा लिखेंगे QR, तो QR में ये x1 बन गया, x2 था तो अब इसके साथ करेंगे x2 कितना है 5-0 का स्क्वायर प्लस -3-1 का स्क्वायर, एरो का साइन। अब उसके बाद दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो पहले जैसे लिखा है वैसे ही लिख लेना है और इसको वर्ग, ठीक है। इसी तरह से इधर भी जैसे लिखा है वैसे लिख देना है और इधर वर्ग कर देना है पूरे का। तो ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0-x का स्क्वायर प्लस 1-6 का स्क्वायर। फिर इसी तरह से 5-0 का स्क्वायर प्लस -3-1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 में से माइनस एक्स करेंगे तो आएगा -x का स्क्वायर प्लस -6 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा -5 का स्क्वायर, 5 में से 0 माइनस करेंगे तो आएगा 5 का स्क्वायर, और -3 और -1, माइनस प्लस होंगे और माइनस प्लस 3 यानी कि माइनस का 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट रो में x को दो बार किया x और माइनस प्लस हो गया, अब 5×5=25, 7 में ये माइनस प्लस हो गया, फिर 5×5=25 और यहाँ पर 4×4=16 और माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 25 से 25 कैंसिल हो क्योंकि इधर आकर ये माइनस बन जाएगा। क्या करेंगे, x के बराबर क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रहेगा ये वाला, तो x बराबर कितना है 16। तो जब हम दोनों तरफ लगाएंगे, फिर से हम दोनों तरफ वर्ग मूल, क्योंकि हमें वर्ग हटाना है, तो वर्ग मूल करने पर
दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो ये इस तरह से आएगा और ये 16 का वर्गमूल। और जब भी हम वर्गमूल लगाते हैं डिजिट में तो प्लस माइनस का साइन रखते हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो ये क्या होगा, एक्स के स्क्वायर से स्क्वायर ये कट जाएगा तो हमारे पास एक्स बच जाएगा और यहाँ पर ये प्लस माइनस ऐसे रहेगा और 16 को हम चेंज करेंगे तो 4 × 4 आ जाएगा। तो हमारे पास एक्स का मान जो आएगा प्लस माइनस 2 में और 1 हम इसमें से 4 निकाल लेंगे। तो एक्स का मान हमें यही पता करना था, एक प्लस में एक माइनस में। तो हमारे पास आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं कि एक्स के जो हमें मान है एक माइनस में और एक प्लस में आंसर आया है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको मैं 11 क्वेश्चन करवाऊंगी, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप ये बाकी के क्वेश्चंस रिपीट करिए और इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।